हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आम से एक बेहतरीन डेजर्ट जो घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये डेजर्ट है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इन दिनों आम काफ़ी अच्छे मार्केट में आए हुए हैं जो काफ़ी रसीले और मीठे हैं, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 आम लिए हैं और इसके छिलके निकाल के इसके पल्प निकाल लें। और अब इन आम रस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आप मिक्सी का यूज करें या फिर हैंड ब्लेंडर से इस तरह से मिक्स कर लें। बस ध्यान रहे इसमें कोई पल्प ना रहे, और अगर थोड़ी सी भी रेसे हो तो इसे छान लें। और इस आम में रेसे नहीं है तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी। और अब एक मोटी पेंदी की कढ़ाई लेंगे और उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। इससे कढ़ाई नॉनस्टिक का काम करता है और इसमें आम के जो पल्प है वो बिल्कुल इसमें चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से पहले ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें। यहाँ पे आप बटर, रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हैं। और आम के पल्प को इसमें डाल दें। और अब आम के पल्प को 5 मिनट तक कुक करें। और 5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे 2 आम के लिए 3/4 कप मैंने चीनी लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हमें एक बोल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के पाउडर लेने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी एक स्लरी तैयार कर लें। अब स्लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाने के बाद अब ये काफ़ी थिक हो गया है। इसी टाइम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर की ये घोल और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे लगातार मिक्स करते रहें और जैसे इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी आ जाए तो फ्लेम को ऑफ कर लें। और इसमें डालेंगे 1 पिंच कूटी हुई लाल मिर्च और 1 पिंच जितना ही काला नमक। इससे इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब एक प्लेट या ट्रे किसी को भी ग्रीस कर लें। घी, बटर या फिर रिफाइंड आप किसी चीज़ का भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ हार्ड स्मेल वाली ऑयल का यूज ना करें। और इन मिक्सचर को आप इसमें डाल देंगे और इस तरह से इसे टैप करके तो इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इसे फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद इसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे और इसे मनचाहे शेप में कट करें। और ऊपर से डेजिकेटेड कोकोनट से इसे गार्निश करें। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी।